Hey guys, this is your brand Sharaf and I'm back with my another video. कैसे हो आप सभी? और इस आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है. आज हमारा बहुत बड़ा दिन है और हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने. वैसे आपने देख लिया होगा थंबनेल में, टाइटल में, बट हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं. आगे चलते हैं. अभी सब कुछ यहाँ बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना गाइस. तो आगे चलते हैं, आगे चल के बताता हूँ कि हम क्या सामान लेने जा रहे हैं. और अभी 100% श्योर नहीं है, वहाँ जाएंगे, चेकआउट करेंगे, पसंद आए चीज़ तो ले लेंगे, नहीं तो रहन दो फिर. ठीक है, तो आगे चलते हैं गाइस. और आज का लाइक कर दो भाई, आज का ब्लॉग लाइक कर दो. ये भी ले सकते हैं यार, बट प्राइस ये भी ले सकते हैं आप. गाइस वी आर हियर एट रिलायंस डिजिटल और हम जो लेने आए वो हमने देख लिया, निकलवा लिया. अपना मैकबुक लेकर तो हो गया है, मैकबुक मैंने ले लिया है. अब थोड़ा सा काम और निपटाने थे और आज हम टेस्ट ड्राइव भी ले रहे हैं. नई गाड़ी भी लेनी है तो टेस्ट ड्राइव भी ले रहे हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ देख सकते हैं. हमें तीन ही कंपनी है, तीन कंपनियों के अंदर ही हमें गाड़ी लेनी है. एक है सुजुकी, एक है हुंडई और टोयोटा. टोयोटा के अंदर हमारा जो हमारी रेंज है उसके अंदर कैंसिल हो जा रही है, क्योंकि 3 सिलेंडर गाड़ी है. उसके अंदर जो हमें अल्ट्रॉज पसंद आती है और भी एक गाड़ी उनकी पसंद आ रही जैसी, तो उन्हें लेनी है. गाड़ी हमें छोटी लेनी है, एक बड़ी गाड़ी हम पे एक्स यू वी है 500, एक छोटी लेनी है दिल्ली के अंदर मैनुअल. तो ये वीडियो जब तक आज आप सजेस्ट भी कर सकते हो कौन सी गाड़ी ले सकते हैं हम 10-11 के अंदर अंदर हमें लेनी है. जो हुंडई की सबसे बढ़िया गाड़ी मुझे लगती है इसी रेंज में 11-11.5 की रेंज में, वो है वेन्यू. अब वेन्यू की टेस्ट ड्राइव मुझे लेनी है और पापा को भी लेनी है ऑटोमेटिक में. सनरूफ वाला मॉडल नहीं लेंगे हम, क्योंकि अपना कोई ऐसा काम भी नहीं है. सनरूफ का हवाबाजी अपने को इतनी अच्छी लगती नहीं है. सनरूफ वाला मॉडल नहीं है, वही सनरूफ से एक नीचे वाला जो है वो वाला लेंगे. वही अपने को हमारे रेंज में फिट होगा 11-11.5 के आसपास का, तो वही लेने की सोच रहे हैं. और अभी मैकबुक अपना यहाँ पर रखा गया, इसे घर जाके तिलक विलक कराएंगे, थोड़ा मम्मी को दिखाएंगे. और पापा ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, ही बॉट मी दिस. यार मज़ा ही आ गया. तो अभी चलते हैं. अभी बाहर बाहर की हालत देखो भाई, तूफान आ रहा है ज़बरदस्त. बार अभी दिख नहीं, रबर को दिखाता हूँ. पता नहीं गाड़ी में बैठा होता है एकदम से तूफान आना चालू हो गया भाई. गाइस दिल्ली में ये देखो, तुम अभी अपनी कैमरा पता नहीं जस्टिफाई कर पा रहे, नहीं कर पा रहा, पर बाहर पूरे में धूल 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 हो रही है. बहुत सा पेड़ ज़बरदस्त सुन रहा है, अब दिखा भाई यहाँ. सो गाइस लैपटॉप लेकर के तो हो गया है, ये आ गया अपना मैकबुक. बट दिक्कत स्टार्टिंग में, आईडीज के पासवर्ड हमें याद कहाँ रहते हैं, फिर से भूल गए. अब बैठ के रीसेट कर रहे हैं तो आईडी रीसेट चल रही है. तो अभी बाकी तो एप्पल का आपको पता ही है, एप्पल वाले बस हमें चूसने के लिए बने. इसके अंदर कुछ मुझे लग रहा है क्रिएटिव हो सकता है, बट वही एप्पल वाले हमेशा हकते हैं. इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है एप्पल में, बस हाफ एप्पल. Apple gives lots of apples. तो ये दो चीज़ें और मिली हैं, ये दो चीज़ें क्या है, ये एक adapter और एक cable type C to type C. बाकी ये डब्बा खाली और ये भी चालू.
तो अब इसको रीसेट करने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? इसको पहले रीसेट रीसेट कर लूँ, पूरी आई डी इसमें डाल दूँ, थोड़ा सा समझ लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। और एक हफ्ते बाद हमने फिर से इस कैमरे को उठाया है, क्योंकि जो लैपटॉप वाला व्लॉग है उसी में मैं कुछ चीज़ें और इंक्लूडेड करके दिखाना चाहता था। तो अभी अमेजोन से एक डब्बा और आ चुका है, तो उसे भी अनबॉक्स करते हैं। तो ये हो गया अनबॉक्स व्लॉग, सब कुछ अनबॉक्स ही हो रहा है। आज हम पेटिया पे पेटिया खोलेंगे, बहुत सारी पेटियाँ खोल देंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे साथ ही साथ। तो पहले अनबॉक्सिंग देख लो किस चीज़ की करने वाला। बड़ा बॉक्स है भाई, क्या हो सकता है इसमें, सोच के बताओ। बट बड़ा बॉक्स है तो दिखाते हैं हम आपको पेटियाँ पे पेटियाँ। पेटी 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 पेटी, और हम पेटी में से निकालेंगे सामान को। ये हमने खोला, ये अपने मतलब का नहीं है। और बैग, तो इसे रखते हैं साइड। और अब हम बैग यानी कि मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या है ये बैग। तो जैसे कि हमने लैपटॉप लिया और हमारे पास होता है कैमरा, तो ये एक लैपटॉप कम कैमरा बैग है। कौन सी कंपनी? वाइल्ड क्राफ्ट की तरफ से, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। तो ये वन ऑफ द चीपेस्ट, प्लीज कैमरामैन हमें दिखाइए। तो ये वन ऑफ द चीपेस्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप हम जैसे स्टूडेंट हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कॉस्टली है, बाकी अमीर लोग तो बहुत सारे हैं दुनिया में। बट ठीक है, मतलब ले सकते हो। 4000 रुपये की कॉस्ट है इसकी, जिसके नीचे मतलब इसके एक बड़ा वाला वर्जन में था जिसके अंदर एक छोटा सा पैकेट इसमें लग जाता है, तो छोटा सा कुछ बॉक्स टाइप सा होता है वो ऐड जाता है, और उसकी कॉस्ट 6000 रुपये। तो हम इंडियन हैं, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो 2000 के लिए हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसे खोलते हैं। ये खोला और ये निकाला हमने पेटी बॉक्स पैक। तो ये इसकी क्लिप्स कुछ ऐसे ऐसे, और फर्स्ट लुक हम देखते हैं। इम्प्रेसिव। ये इसका एक कैमरा का सेक्शन है, पूरा का पूरा एक कैमरा सेक्शन है। इसमें काफ़ी बड़ा सेक्शन है, अगर इसमें मैं चाहूँ तो 2 कैमरे और कुछ लेंसेज विद माइक और काफ़ी सारी चीज़ें वायर्स के साथ सेट कर सकता हूँ। पीछे एक हमारा सेक्शन है, इसमें लैपटॉप का सेक्शन, यहाँ पे अपना लैपटॉप, पेडी बॉक्स लैपटॉप, कोई भी 16 इंच लैपटॉप बड़ी आसानी से फिट हो सकता है। और छोटी छोटी कुछ पेटियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ सामान आप यहाँ पे रख सकते हो, कुछ कार्ड्स एंड ऑल कुछ चीज़ें यहाँ रख सकते हो। एंड बट्स मो, ऐसा तो कुछ और ख़ास दिख नहीं रहा है मुझे। बाकी तो बैग पूरा नॉर्मल ही, इतना कुछ है नहीं। बट या पीछे जो मुझे पैडिंग दिख रही है, ओ भाई बहुत सॉफ्ट, कंधे नहीं टूटेंगे। इससे पहले मैं गॉड्स का बैग यूज़ करता था जो कि एक बाइकिंग बैग था, और भाई साहब उसने जो मेरे कंधे तोड़े हैं, क्योंकि वो एक पूरा हार्ड केस बैग है, और हार्ड केस बैग की दिक्कत ही ये होती है कि वो कंधे तोड़ देता है, पीठ मरोड़ देता है। बट ये एक सॉफ्ट कुशनी बैग है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। तो कुछ टाइम में धीरे धीरे हम आपको इसका रिव्यू देते रहेंगे, और अगर हमें ये पसंद आया तो आपके लिए रिकमेंड भी कर देंगे। वैसे लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एफिलिएट लिंक नहीं है तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम जाके खरीद सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो आगे चलते हैं, बाकी एक और डब्बा आने वाला है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। लास्ट पहलू इस व्लॉग का, मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हमारे लैपटॉप की, जिसके बिना एप्पल काम कर ही नहीं सकता, मतलब कर सकता है अगर किसी को किसी एक्सटर्नल डॉक की जरूरत नहीं है, बट मोस्टली उस डॉक की जरूरत पड़ती ही है। और वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा कॉस्टली है अगर आप एक स्टूडेंट हो और एक बजट में काम कर रहे हो, तो वो है ये द टाइप सी पोर्ट, जिसे हम फर्स्ट स्लाइड यहाँ से ले लेते हैं। द टाइप सी पोर्ट, और कई सारी कंपनी इसे बना रही हैं, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा एक ब्रांडेड चीज़ ले लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर ये बार बार ख़राब हो, इसके साथ वारंटी आ रही है, वारंटी वाले लेना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़राब हो सकती है आपकी कभी भी कहीं भी कैसे भी। तो वारंटी में रहोगे तो थोड़ा सा सेफ साइड रखे, इसे एक्सचेंज करवा लेना। तो भैया ये रही वो आइटम, अब इस आइटम की अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे तो मैंने खोल खाल के देख लिया था थोड़ा बहुत, तब भी ब्लॉग के लिए करना पड़ता है। यहीं से खुलेगा ना? नहीं यार, यहाँ से खुलेगा, कहाँ से खुलेगा? हाँ यहाँ से खुलेगा, मैंने यहाँ से खोला था, इसे मैंने खोला, ये आइटम निकाली, और ये है मेन चीज़। अब तो एक एडिटर को क्या चीज़ चाहिए होती है सबसे बड़ी बात, तो एक USB पोर्ट और एक कैमरे वाला
SD कार्ड स्लॉट, यानी कि बड़ा जो वाला SD कार्ड स्लॉट होता है वो, पर इसमें छोटा वाला भी अवेलेबल है, बड़ा वाला भी अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कार्ड लगाओ सीधा काम करेगा। कई सारे आते हैं जिसमें ये अवेलेबल नहीं है, आप वो भी ले सकते हो, बट अपन को ये वाला ज़रूरत था तो अपन ने ये ले लिया। दो USB पोर्ट है, दो टाइप सी पोर्ट है, टाइप सी का अगर आपको कुछ आईफोन डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करना है तो यहाँ से कर लो, यहाँ चार्जर कनेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये आइटम अराउंड 3000 रुपये की है, वारंटी है, और ये एस्का कंपनी की है, अगर मैं मेरे को लिंक मिला तो डाल दूँगा, ये एस्का वैसा की है, ठीक है, और इसके साथ 1 साल की वारंटी है। तो आपको ये व्लॉग पसंद आया, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो मेरे जो माइंड में कॉन्सेप्ट था मैं उस पर वर्क करने वाला हूँ। मैं एक डेली व्लॉगिंग, एक फिटनेस व्लॉगिंग में एंटर करना चाहता था बहुत टाइम से, बट कुछ रीजंस की वजह से एंटर नहीं कर पा रहा था, बट नाउ आई कैन एंटर इनटू इट एंड डू व्हाट आई वांट टू डू। सो प्लीज सपोर्ट करें इस वीडियो पे, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे चल के दिखाएंगे नागो का एक्सपीरियंस। मैं अभी सीख ही रहा हूँ, एक हफ्ता हुआ है मेरे को उसे लिए हुए, अब मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगा उसमें, थोड़ा जैसे सिस्टम है अच्छा है, मतलब काफ़ी ईजी टू एडिट है, हाँ बट चलो ठीक है, सीख लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं सून।